हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आप अपने घरों की या फिर बाथरूम की विंडो को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको कि आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको कि आपको कंसीडर करना चाहिए जब आप विंडो को लगा रहे हैं उससे पहले। तो उन पॉइंट्स के बारे में जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिबिलिटी। तो इसके अंदर क्या है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको जो विंडो है वो आपको ओपनेबल विंडो लगानी है या फिर फिक्स विंडो लगानी है। आपका यूसेज क्या है, आपको उस टाइम पे आपको वेंटिलेशन चाहिए या फिर आपके लिए सिर्फ जो लाइट मैटर करती है। और विंडो की जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आपने ऐसे एरिया में विंडो लगा दी, जैसे मान लिया आपने बाथटब के ऊपर विंडो लगा दी, तो उस टाइम पे जो विंडो है वो या तो जो बाथटब में होगा तो वही उस विंडो को जो है वो ऑपरेट कर सकता है, या फिर अगर मान लिया नॉर्मल बंदा अगर उसको करेगा तो उसको जो है वो ओपन करने में और क्लोज़ करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो बाथटब से उसे जो है बिल्कुल दूर से उस विंडो को ओपन एबल करना पड़ेगा या फिर उसके अंदर घुस के करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको कंसीडर करना चाहिए विंडो को लगाने से पहले। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो कि आपको कंसीडर करना है वो है सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो विंडो है वो ब्रेक ना हो या फिर कोई चोर या फिर चोर उचक्का जो है आपके घर में ना घुस सके। तो ये भी जो है पॉइंट आपको कंसीडर करना है, और सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्तों, जब आपका नेचुरल वेंटिलेशन और जो व्यू है वो जब कंसीडर नहीं किया जाता, तो मतलब जब आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो उस टाइम पे आपको आप जो है आप ग्लास ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास ब्लॉक का यूज़ करने से आपके रूम में या फिर आपके बाथरूम में जो आपको नेचुरल लाइट पूरी मिलेगी, और सेम टाइम पे जो आपकी जो सरफेस है वो भी जो है वो ईजिली पेनिट्रेट नहीं की जा सकती है। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा पॉइंट और नोट करने वाला पॉइंट है। अब दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो कि आपको कंसीडर करना है वो है प्राइवेसी का। और जब आपका घर जो है वो बहुत ही बिजी गलियों में हो, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पर जो प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उस टाइम पे आपको ऐसी विंडो सेलेक्ट करनी है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी जो है आपको दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो जहाँ पे आप ग्लास का यूज़ करवा रहे हैं विंडो में, तो वहाँ पे आप फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉस्टेड ग्लास से जो व्यू है वो क्लियर नहीं दिखता है बाहर का। और इसी तरीके से मान लिया अगर फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं लगा हुआ है, तो अंदर की साइड से भी जो आप विंडोज़ में जो ट्रीटमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको जो ऑप्शंस देने हैं और अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में जिसको कि आपको कंसीडर करना है, वो है कॉस्ट। और कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी जो है आप विंडो को परचेस करने जा रहे होते हैं, तो आपको फ्रेम के मटीरियल के बारे में, साइज़ के बारे में, और क्वालिटी क्या है उसकी, एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, तो ये सब फैक्टर्स को जो है वो आपको मेज़र करना है, और सेम टाइम पे आपको कॉस्ट को भी मेज़र करना है। और फिर जो है आप किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस लीजिए, और जो भी बेस्ट विंडो है आप उसको जो है वो परचेस करिए। अब दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि आपको कंसीडर करना है, जिसका नाम है एक्सटीरियर बाथरूम फीचर्स। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपका बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जब वो बाथटब में बैठे हुए हैं या फिर बाथरूम में नहा रहे हैं, तो बाहर उनके ना गार्डन होता है, तो उस व्यू को वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरीके का अगर सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे आपका बाथटब आ रहा है, बाथरूम आ रहा है, उससे बाहर अगर गार्डन है या फिर लॉन है या फिर कोई बहुत अच्छा व्यू है, तो उस चीज़ को भी जो है आपको कंसीडर करना है जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं विंडो को लगाने के बारे में। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने घरों में विंडो की प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।